और इस किले में आते हैं तो इस तरफ दो शिवालय है, इधर आ जाइए पहले। नाम तो यहाँ पर लिखे हुए नहीं शिवालय के। ये एक शिवालय है उस तरफ और उसके पीछे राजवाड़ा है। अच्छा राजा बता दे। और इस तरफ अहिल्येश्वर के सामने राम जी मंदिर है और इस तरफ हनुमान जी है। जय श्री राम। और इस तरफ भगवान राम की बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है। नर्मदे हर नर्मदे हर। कहाँ से हो आप? हम तो यहीं से हैं। यहीं से? क्या नाम है? राज खेड़कर है मेरा नाम जी। एक्चुअली में ये अहिल्येश्वर टेम्पल है, मैं यहाँ का नोकल। और ये भाई है, इनका नाम राज खेड़कर है मेरा जी, यहाँ के लोकल गाइड है। तो कुछ संक्षिप्त जानकारी दीजिए पहले, तो फिर आपका नंबर। एक्चुअली में ये अहिल्येश्वर टेम्पल है जी, शिव जी के पीछे अहिल्या का स्टेचू लगा है जी। ये कृष्णबाई होलकर अहिल्या की बहू, उनके द्वारा बनवाया गया। और सामने ये विट्ठल राव जी की छतरी है। एक्चुअल में यहाँ के संस्थापक श्री मल्लाराव जी होलकर पुणे से 40 किलोमीटर होल गांव में उनका जन्म होता है। वो उनके गांव से ही उनका सरनेम दिया था उन्होंने होलकर जी जी। वहाँ से उनके मामा जी के पास चले जाते हैं मथुरा। मथुरा में पशुपालन का काम करते थे मल्लाराव जी होलकर जी। फिर प्रथम बाजीराव पेशवा के साथ युद्ध में शामिल हो गए थे, तो बाजीराव पेशवा ने इनको 500 घोड़े का सूबेदार नियुक्त किया जी जी। फिर बाजीराव पेशवा ने एक्चुअल में इनको 500 घोड़े का सूबेदार नियुक्त करने के बाद ये एमपी सारा गिफ्टेड सारा उनको गिफ्टेड था जी। इंदौर का जो राजवाड़ा है, इंदौर के राजवाड़ा से शासन करते थे। एक्चुअल में एमपी में पूरे 12 प्रांगण उनके अंडर में ही थे जी। एक्चुअल में फर्स्ट कैपिटल था इंदौर और सेकंड कैपिटल अहिल्या ने महेश्वर को बनाया। यहाँ का फर्स्ट नेम है गुप्त काशी, उसके बाद में इस यहाँ का रियल नेम महेशमती साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और फिर अहिल्या ने महेश्वर को कैपिटल के थ्रू महेश्वर को राजधानी की ओर से चलाया था। और महेश्वर का नाम अहिल्या के द्वारा दिया गया था। एक्चुअल में शिव जी का अर्थ है महेश्वर, उस हिसाब से यहाँ पर महेश्वर नाम दिया गया। और ये महेश्वर विजिट करने में कितना समय लगता है? एक से डेढ़ घंटा लगता है पूरा विजिट करने में। यहाँ पर 8 पॉइंट है घूमने के लिए जी जी। राजगद्दी है अहिल्या की, अहिल्या की अष्ट धातु की स्टेचू है जी। लोहे को छोड़कर चांदी पीतल सोना सब लगा हुआ है बराबर वो है। फिर राजगद्दी है अहिल्या की, अहिल्या के अहिल्या ने 1767 में यहाँ पर शासन चालू कर दिया जी। तो अहिल्या के द्वारा प्रजा के सुख शांति के लिए यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग स्टार्ट किए थे जी। जो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर आज भी बन रहे हैं। एक्चुअली में 11 पंडित बनाते हैं, मॉर्निंग 8 बजे से 10 बजे तक बना देते हैं।
और सूर्य ढलने से पहले वो पार्थिव शिवलिंगों को नर्मदा जी में विसर्जन करते थे। एक्चुअल में 11,000 पार्थिव शिवलिंग डेली बनाई जाती है, मिट्टी के, काली मिट्टी लेके आते खेत से, 7 पंडित बनाते हैं, एक पट्टी के ऊपर 1351 रखते हैं। वो डेली प्रथा अभी भी फॉलो की जा रही है। और माँ हीरिया ने यहाँ पर मंदिरों में भी भोग लगवाते थे, एक्चुअल में हर मंदिरों में यहाँ पर आज भी भोग लगता है। यहाँ के पॉइंट बता दीजिए, क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर? अष्ट धातु की मूर्ति महिले की राजगद्दी है, फिर 22 केजी का सोने का झूला है, देव पूजा घर के नाम से जाना जाता है, फिर यह अहिलेश्वर टेम्पल है, फिर रेवा सोसाइटी जहाँ पर महिलाओं को रोजगार दिया था महिला के द्वारा। एक्चुअल में यहाँ पर कुछ रोजगार नहीं था तो महिला ने रोजगार दिया था। माँ नर्मदा का दूसरा नाम है रेवा, तो यहाँ पर रेवा सोसाइटी में साड़ियाँ बनती हैं। फिर नीचे की साइड आते हैं तो यह अहिल्या टेम्पल है, ये विट्ठल राव जी की छतरी है, माँ अहिल्या का दहन स्थल है नीचे की साइड। फिर लगभग 550 साल से अखंड दीपक जल रहे हैं, राज ऐशोर का टेम्पल है यहाँ पर, भगवान सहस्र साधु जी का टेम्पल है। यहाँ से 7 किलोमीटर पर सहस्र धारा भी है, वाटरफॉल है। आपका नंबर बता दीजिए। 6268552407। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को यहाँ महेश्वर आना और पूरा महेश्वर विजिट करना हो तो भैया से जरूर मुलाकात करें, नर्मदे हर। नर्मदे। और यह मंदिर से ऊपर की तरफ आते हैं तो सामने की तरफ होलकर राजवंश का निवासी स्थान था। और यहाँ पर देखिए राजमाता अहिल्या बाई यहाँ पर विराजती थी। पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए, बंदूकें हैं और सामने ढाल है, तलवारें हैं। टोपीदार बंदूक है और तोप के गोले भी है यहाँ पर। और वो बड़ा गोला तोप का। और यहाँ महेश्वर में घूम रहे थे, दर्शन कर निकल रहे थे तो हमारे परिवार के सदस्य मिले। और कहाँ से आप? कोलकाता से। कोलकाता से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विवेकानंद। और यहाँ पर कब आए थे? 10 दिन आ गया। जी जी जी, यहाँ पर 10 दिन से हो? आश्रम में 10 दिन था। हाँ हाँ, यहाँ आ जाएगा, कल आए से बाहर आएगा, उज्जैन जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, मिलकर खुशी हुई। नर्मदे हर। समाधि ये विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार है और परशुराम जी भी विष्णु के अवतार है। इनको जो घमंड आया था, इनका दोनों विष्णु स्वरूप थे। और दोपहर के अभी 1 बजे और घूम घुमा के इधर ही घूम रहे सुबह के। और अभी आए हम राजराजेश्वर मंदिर में और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, मगर अभी दोपहर को सभी मंदिर हो गए बंद।
तो यहीं से दर्शन कीजिए बाहर के, और हम बढ़ते हैं यहाँ से मंडलेश्वर की तरफ। चले नर्मदे हर। और राज राजेश्वर मंदिर में सिर्फ एक ही मंदिर खुला है दोपहर के समय, और वो है भगवान दत्त और राम का मंदिर। तो इनके दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी, और इस तरफ भगवान दत्त। जय श्री राम। और घूमते हुए देखिए अभी स्वराज पर आ गए, और बहुत घूमे, बहुत रिकॉर्डिंग किया, इतना एडिटिंग कैसे करूँगा। और समय भी बहुत हो गया है, और मंडलेश्वर भी अशोक जी के साथ ही जाना पड़ेगा। और बाजार से बाहर निकले तो अशोक जी फिर से आगे हमें लेने के लिए, और अभी हम मंडलेश्वर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से कितना दूर? 55 किलोमीटर। और प्रतिदिन सुबह आते हैं यहाँ पर मैया में स्नान के लिए। कितने साल से? 7 साल से। पिछले 7 साल से आते हैं अशोक जी प्रतिदिन, ये इनका नित्य कर्म है। जी जी, स्नान करते हुए करते हो? हाँ जी। शंख बजाना, करताल बजाना। हाँ, और महेश्वर और मंडलेश्वर के बीच में ही महेश्वर से निकलते हैं तो एक मंदिर आता है, प्राचीन मंदिर है कालेश्वर, तो वहाँ दर्शन के लिए हम रुके। और यहाँ पर देखिए यह है कालेश्वर महादेव, और इसकी दीवार बहुत ही प्राचीन है, किले के नुमा। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। जी, जय भोलेनाथ। और इधर मंदिर के खंभों पर पेंट किया हुआ है, मंदिर बहुत ही प्राचीन है। जय कालेश्वर महादेव। और बिल्कुल माँ नर्मदा के तट पर है इस स्थान। और यहाँ से जालेश्वर है अशोक जी, ये जालेश्वर लिखा हुआ है सामने, तो नीचे है। हाँ हाँ, और यहाँ से ये सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये रास्ता जाता है जालेश्वर में, मगर यहाँ पर माहिष्मती नदी पड़ती है इन दोनों मंदिरों के बीच, इसलिए पैदल जाना का अभी रास्ता नहीं है। और यहाँ पर भैरव महाराज का
स्थान है। और इस तरफ हनुमान जी का विग्रह भी बहुत ही सुंदर और प्राचीन अति। इस तरफ भैरव महाराज है, इस तरफ हनुमान जी और इस तरफ भी भैरव दादा है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे बस 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 बस। और यहाँ कालेश्वर में हम बैठे थे और हमारी मुलाकात हुई, हमसे मिलने के लिए आए रमेश जी है और बाइक से निरंतर परिक्रमा मैया की करते रहते हैं। कितनी परिक्रमा कर ली रमेश जी? छह परिक्रमा हो गई। छह हो गई चल। वो झाड़ी से क्या हुआ, रास्ता मिला था? हाँ मिल गया था रास्ता। फिर झाड़ी से निकले, झाड़ी से हम धड़गांव होते हुए निकले। फिर मतलब धड़गांव कहाँ से? ये बड़वानी से हम पार्टी होते हुए फिर धड़गांव गए। अगले वर्ष तो मतलब कि सीधा बड़वानी से रास्ता हो जाएगा, ये बता रहे हैं। बराबर हाँ, वो नाले हो जाएंगे नाले। और आपके मार्गदर्शन में फिर पूरी परिक्रमा अच्छी से हो गई। और ये मंडलेश्वर, आप मंडलेश्वर? मंडलेश्वर रमेश जी बाल भोग लेकर आए, महाभोग। दर्शन करने आज परेशान कर दिया नहीं रमेश जी? नहीं काहे के परेशान किया, ये तो हमारा सौभाग्य से जन्म का पुण्य उदय हुआ क्योंकि आज हमें मौका मिला प्रभु। ये लीजिए सर। और दोपहर के अभी 2:15 बजे और अभी हम कालेश्वर के जो धर्मशाला है परिक्रमा उसी यहाँ पर भी रुकते हैं, तो उसी रूम में आराम कर रहे हैं। और हमारे अशोक जी और रमेश भाई अपने काम पर चले गए, अशोक जी घर चले गए, तो दोपहर के विश्राम के बाद हम यहाँ से मंडलेश्वर की तरफ आगे प्रयाण करेंगे। बराबर, बहुत अच्छे दर्शन हुए आज और बहुत कुछ मेरे को एडिटिंग करना पड़ेगा, बहुत वीडियोग्राफी हो गई है, तो थोड़ा विश्राम करते हैं अभी। नर्मदे यार, मिलते दोपहर के बाद।